आप लोग देख सकते हो जस्ट मैं अभी सुबह उठा हूँ और सुबह उठ के बस एक बार फेस वॉश किया हूँ। सो आप लोग मेरी स्किन देख सकते हो कितनी ग्लोइंग और कितनी अच्छी है। सो मैं कौन सा फेस वॉश यूज करता हूँ, कौन सा नहीं करता हूँ, कितनी बार करता हूँ, कैसे करता हूँ, ये सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, बिना स्किप किए वीडियो को देखना, क्योंकि बीच में ऐसी कौन सी भी पॉइंट रह सकती है जो आपके लिए फायदेदायक रहे और आप ना देखो तो आप मिस कर दोगे। सो जो भी मेरे चैनल पर नया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, लाइक कर देना और शेयर बाद में करना, पहले फुल वीडियो देख लो आप लोग। फिर चलते हैं मेरे फेस वॉश पे कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज करता हूँ, कौन सा नहीं करता हूँ। सो चलते हैं फिर। ऑलराइट गाइस, जैसे कि बोला मैं कौन सा फेस वॉश यूज करता हूँ। आपको पता होगा कि हमारी जो स्किन रहती है ना बहुत सेंसिटिव रहती है किसी भी अपने बॉडी पार्ट के स्किन के मुकाबले, चाहे हाथ हो, पेट हो या पाँव का स्किन हो। सो हमारी जो फेस की जो स्क्रीन के स्किन है ना वो बहुत ही सेंसिटिव रहती है। आपको उसमें कम से कम केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करना है जो कि हमारे स्किन को हार्म ना पहुंचाओ। ऐसे बहुत सारे मार्केट में फेस वॉश आते हैं जिसमें 90-80% केमिकल भरा होता है और आप वही यूज करते हो और आप तो ये सोच के लिए होते कि मैं ये लूंगा तो मेरे एक्ने चले जाएंगे, मेरे पिंपल्स चले जाएंगे, मेरे डार्क स्पॉट चले जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वो जाते तो है लेकिन वो फेस की जो हालत करके जाते हैं ना। सो मैंने काफी सारे फेस वॉश इस्तेमाल किए हैं, कौन कौन से फेस वॉश इस्तेमाल किए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को अच्छे से देखना, बहुत ध्यान से देखना। सो चलो मैं आपको बताता हूँ मैं कौन कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल किया था पहले और अब भी क्या कर रहा हूँ। सो मैंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था गार्नियर का चारकोल। वो फेस वॉश तो मुझे इतना घटिया लगा ना, मैं लगाता था ना वो मेरा जो पूरा फेस है ना वो एकदम पीला कर देता था, एकदम पीला। धोने के टाइम आप देखोगे थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखेगा लेकिन जैसे जैसे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा घंटे दो घंटे होंगे ना आप फिर वही फेस लेके जाके अपने आईने में देखो, शीशे में देखो, देखो उसका हालत क्या हो जाता है। वो फेस वॉश तो मुझे बहुत बेकार लगा। उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया फेयर एंड हैंडसम का फेस वॉश, जो कि मुझे किसी ने बोला भाई इस्तेमाल कर अच्छा है। सो मैंने इस्तेमाल किया, वो फेस वॉश तो और घटिया भाई। फिर मैंने निविया का इस्तेमाल किया, निविया का भी बहुत घटिया है। फिर मुझे किसी फ्रेंड ने बताया कि नहीं भाई तू ये इस्तेमाल कर, तेरी स्किन के लिए बहुत अच्छी रहेगी और फुल टू फुल आयुर्वेदिक है, एकदम मतलब फ्री है, कोई भी उसमें कुछ नहीं है, मतलब जो भी रहते केमिकल वगैरह उसमें कुछ नहीं, एकदम नेचुरली बना हुआ है। और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले गए हैं, क्या नहीं है और कौन सा फेस वॉश है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सो वीडियो को ध्यान से देखना। अब आता है मेन पार्ट कि मैं कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ और कितने टाइम करता हूँ, इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूँ। सो ध्यान से देखो। सो ऑलराइट गाइस, सो मैं फेस वॉश करता हूँ पतंजलि का हर्बल कार्बन एक्टिवेटेड फेस वॉश। अभी आप बोलो ये फेस वॉश तो हमने मार्केट में बहुत देखा है लेकिन कभी इस्तेमाल किया है अपनी स्किन पे? नहीं किया है ना। सो इस बार इस्तेमाल करके देखना। और इसकी रुपीज सिर्फ 60 रुपीज की आती है ये। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, फुल टू फुल आयुर्वेदिक है, इसमें कोई भी केमिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलाया गया है जिससे आपकी जो स्किन जितनी सेंसिटिव है ना उसको कोई भी हार्म पहुंचे। सो इसमें आपको मिलता है, इसमें आपको लेमन मिलता है, नीम मिलता है, एलोवेरा जेल मिलता है, एक्टिवेटेड कारण विटामिन ई, हाँ मेन है विटामिन ई। जिस फेस वॉश में विटामिन ई रहते हैं ना वो फेस वॉश आपके लिए बहुत ही अच्छा है। काफी लोग विटामिन ई इसलिए लेते हैं कि वो हमारे शरीर को उसमें मतलब विटामिन ई बहुत रहती है और विटामिन ई खास करके स्किन की लाइटनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव मानी गई है। विटामिन ई जो रहती है वो बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है अपनी स्किन को लाइटनिंग बढ़ाने के लिए। काफी लोग नींबू लेते हैं और बहुत सारे ऐसे चीजें विटामिन ई, आप चाहो तो विटामिन ई का सेवन करके भी अपने बॉडी की जो वाइटनिंग है पावर बढ़ा सकते हैं। सो मैं ये फेस वॉश इस्तेमाल करता हूँ विटामिन एक्टिवेटेड कार्बन विटामिन ई विटामिन ए हर्बल फेस वॉश है। इसमें आपको मिल जाता है लेमन मिल जाता है, नीम मिल जाता है, एलोवेरा जेल मिल जाता है जो की पूरी एक आयुर्वेदिक है और आपके फेस को इसमें कोई भी हार्म पहुंचने नहीं वाला है। और ये मैं फेस वॉश इसीलिए आपको बोल रहा हूँ लेने के लिए, सबसे मेन रीजन यही है कि मैंने इसको एक महीने फुल टू फुल यूज किए हैं। आप इसका पैकेट देख सकते हो, आधा से ज्यादा खाली हो चुका है। सो आपको हल्का सा थोड़ा सा लेना है, टैप करना है हर जगह और बस
30 से 30 to 40 सेकेंड रफ करना है, सर्कुलेशन मोशन में आपको घुमाना है पूरा सर से लेके नाक तक लेके जो भी होता है जिस तरह से धोते हो 30 to 40 सेकेंड धोना है आपको। इससे आपको आप देखोगे 10 to 15 दिन में आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं इसे एक सुबह जब उठता हूँ तब करता हूँ फेस वॉश करता हूँ, और जब कहीं बाहर जाके आया तब फेस वॉश करता हूँ। अगर कहीं बाहर जाके नहीं भी आया ना तो भी मैं रात को सोने से पहले इसको एक बार जरूर लगाता हूँ। सो ये था मेरा फेस वॉश पतंजलि का। सो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसे बाय करो, और मैं तो ये सजेशन जरूर दूंगा एक बार प्लीज बाय करके देख लो यार, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। 60 रुपीज़ में से अच्छा प्रोडक्ट कहीं भी नहीं मिलने वाला आपको। और ये किस किस फेस के लिए है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ड्राई फेस के लिए है, और जिसकी ऑयली भी रहती हो थोड़ी ड्राई भी रहती है, मिक्स फेस वॉश के लिए मतलब मिक्स फेस के लिए भी है, जो जिसकी मतलब नाक पे थोड़े थोड़े देखो कि सिर्फ तेल आता है लेकिन बाकी सब ड्राई रहते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्ने के लिए पिंपल्स के लिए बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, सो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो बिना कोई सोचे समझे। परचेस कर सकते हो आपको फ्लिपकार्ट पे या फिर आपके आजू बाजू जो भी पतंजलि स्टोर्स रहेंगे आपको उसमें भी अवेलेबल मिल जाएगा। और सबसे मेन बात है कि आपको 60 रुपीज़ में इससे अच्छा फेस वॉश नहीं मिलने वाला। सो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि ये फेस वॉश आप जरूर खरीदें, जरूर ट्राई करें। आपने इतने सारे फेस वॉश यूज़ किए ही होंगे तो ये एक बार 60 रुपीज़ का फेस वॉश जरूर इस्तेमाल करके देख लो। आई होप आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, सच बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सो वीडियो को ख़त्म करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो फिर से बोल रहा हूँ जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। सो आपके लिए ऐसी वीडियो बहुत सारी आती रहेगी। सो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।